आज हम जा रहे हैं इंटर्नशिप के लिए हरियाणा। मैं सिकल डेवलपमेंट का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इस इंटर्नशिप का, और मैं उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस मौके पर हमें वहाँ पर बुलाया और इन गाँव में हमें मौका दिया काम करने का, वहाँ इंटर्नशिप करने का। मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और अपने कॉलेज का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें मतलब ये मौका दिया ट्रेनिंग के लिए। हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतनी दूर जा रहे हैं हमारे कॉलेज वालों ने, और वहाँ से हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इतनी दूर जाएं और कुछ चीज़ें सीख कर आए मैनेजमेंट के बारे में, कैसे क्या होता है बाहर। तो हम बड़े खुश हैं कि हमारे कॉलेज वालों ने हमें ये मतलब बाहर भेज रहे हैं कि हम आगे सीखेंगे क्या कर सकते हैं हम और कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं हम। इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है बेसिक? हमें आगे नॉलेज होगी, हमारी जॉब में हमें पता चलेगा, हमें सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम जाएं और हम सीख सकें वहाँ पे कि क्या है मैनेजमेंट के बारे में और कैसे होता है, हमें सब पता चलेगा। इससे गवर्नमेंट को कोई और प्रोग्राम करने चाहेंगे आप अपने फ्रेंड्स को क्या कहना चाहेंगे? हम यही है हमारा कि हम सारे जाएं और वहाँ पे सीखें, और अच्छी बात है कि हम सारे जा रहे हैं और हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं और हमें पता चलेगा कि क्या होता है चीज़ें क्या नहीं होती है वहाँ पे जाके। डिफरेंस क्या है, आप उधर देख के नहीं इधर देख के बात करें, डिफरेंस क्या है इसमें, किस चीज़ में? इधर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं और उधर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है? हमारे वुमेन पॉलिटेक्निक जम्मू और वुमेन पॉलिटेक्निक श्रीनगर के करीब 100 बच्चे जो हैं आज IIM रोहतक में गए हैं। ये एक महीने का प्रोग्राम अटेंड करेंगे। ये एक प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर है। यहाँ पर ये IIM की टॉप फैकल्टी जो है और इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, और इनके बहुत सारी विजिट्स होंगी, फील्ड विजिट्स होंगी, लेक्चर्स होंगे, और ये प्रोग्राम इनके लिए बहुत ही आने वाले जो समय में इनको हेल्प करने वाला है। ये बच्चे जो है अपने जो भी सीख के अपनी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वेंचर्स कैसे स्टार्ट करनी है और अपने लिए और अपने कंट्री के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसमें काफ़ी योगदान देगा।